स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कॉर्न की सब्जी बनाना बताऊंगी। ये स्वीट कॉर्न की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है, आप जरूर इसे ट्राई कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पे अभी अभी आए हैं, नए हैं, प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने फीडबैक कमेंट देना ना भूले, बेल आइकॉन जरूर दबाइए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्वीट कॉर्न सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ऑयल, ये हमने शिमला मिर्च कैप्सिकम के छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये कॉर्न है, इसको हम आपको पहले पहले वीडियो में कॉर्न मसाला कॉर्न जो हमने वीडियो बनाया है उसमें इसे स्टोर करने की तरीका मैंने उसमें बताया है। ये वही स्वीट कॉर्न है जिसे हमने स्टोर करके रखा था फ्रीजर में। और ये ऑल पर्पस आप ग्रेवी मसाला बोल सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी है, इसकी भी वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। आज इसी ग्रेवी से आपको सब्जी बनाना हम बताएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये कुछ पनीर लिए हैं, यहाँ पे सब्जियां आप जो डालना चाहते हैं उस हिसाब से यूज कीजिए। ये टेस्ट के अनुसार नमक यूज करेंगे। इधर कढ़ाई गरम होने रख दिया है, इसमें एक चम्मच बड़ा चम्मच से हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को गरम करके इसमें पहले हम पनीर को डालेंगे। जो लोग पनीर कच्चा ऐसे ही खाना पसंद करते हैं वो ऐसे ही डालें, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा पनीर को फ्राई करेंगे, ज्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, पिंकिश कलर आ जाए। ये बहुत ही अच्छा बन करके रेडी होगा सब्जी। और सबसे अच्छी बात है कि हमें यहाँ पे मसाला तैयार करने का झंझट नहीं है, आराम से सब्जियों को हल्का सा फ्राई कीजिए और बनाइए, फटाफट बन जाएगा। सुबह सुबह के भागम दौड़ में भी आप इस तरह से मसाले बनाकर रखिए और उसे यूज कीजिए। अब यहाँ पे हम पनीर भून लिया, शिमला मिर्च ऐड करेंगे, इसे भी हल्का सा हमें भूनना है, बस सॉफ्ट करना है थोड़ा। सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे, जितना सब्जी में चाहिए आप उस हिसाब से नमक ऐड कीजिए। और मसाला में नमक थोड़ा ऑलरेडी है, जितना मसाला के लिए चाहिए उस हिसाब से नमक है उसमें। शिमला मिर्च को एक मिनट के लिए भून लेंगे। ये हमने एक मिनट के लिए अच्छे से शिमला मिर्च को नमक डाल करके भून लिया है, इसे मीडियम फ्लेम पे ही भून लिया है हमने। अब जो मसाले हमने रेडी करके रखा हुआ है उसे ऐड करेंगे और इन मसालों को अच्छे से धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे सब्जियों में। ये अच्छे से मसाला देखिए मिक्स हो गया। अब यहाँ पे हम कॉर्न को ऐड करेंगे। इस कॉर्न को आप मसाला कॉर्न बनाइए, चाट बनाइए, उसमें भी आप यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा बन करके रेडी होगा। आप ये वीडियो जरूर देखिए कि इसे कैसे स्टोर करना है हमें। ये मिक्स हो गया, अब हम इसमें जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। ज्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये सब सब्जियां पक चुकी है, बस एक बॉयल आने की देरी है। मिक्स हो गया और इसे ढक करके दो मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। दो मिनट के बाद ये सब्जी बन करके रेडी हो जाएगी। ये दो मिनट हो गए, ये स्वीट कॉर्न की सब्जी बन करके रेडी हो गई है। देखिए बहुत ही अच्छा और टेस्टी सब्जी है ये। इसे बनाकर आप पराठे के साथ, चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी बन गई है सब्जी।
यहाँ पे हम गैस बंद कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ बटर का यूज कर सकते हैं। सब्जी बनने के बाद गैस बंद हो गया, आपको हम प्लेटिंग करके दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर सर्व करते हैं, बहुत ही सुंदर और टेस्टी सब्जी बन करके रेडी हो गई है। अपने फीडबैक कमेंट मुझे जरूर दीजिए कि ये आपको कौन की सब्जी बनाकर कैसा लगा है। काफी टेस्टी सब्जी बन करके रेडी हुई है, आपको कैसा लगा आप जरूर हमें बताइए। इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे हम सर्व करते टाइम, इस तरह से। बहुत ही अच्छा और टेस्टी सब्जी बन करके रेडी हो गई।